अब नासा वहां जा रहा है जहां आज से पहले कोई नहीं गया है, द सन। जी हां, सही सुना आपने। द नॉलेज में आपका स्वागत है, मैं हूं हितेश गिरी गोसाई और आज हम जानेंगे नासा के सोलर मिशन का पूरा बखेड़ा। सूरज पर जाने के लिए नासा ने $1.5 बिलियन का स्पेसक्राफ्ट तैयार किया। इतना खर्चा किसके नाम पर? तो साइंस के नाम पर। और किसके बाप की दिवाली? तो अमेरिकन टैक्स पेयर्स के बाप की। नासा का मानव रहित पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट 12 अगस्त 2018 के दिन रविवार को हमारी पृथ्वी से सूर्य की ओर निकल लिया। प्रोब के इस सफर में रास्ते में आने वाले बुध और शुक्र ग्रह के गुरुत्वाकर्षण भी उसकी मदद करेंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट 4.3 लाख मील पर आवर की स्पीड से 7 सालों तक सूर्य के 24 चक्कर लगाएगा। सूर्य के सरफेस से 3.8 मिलियन माइल की दूरी से भ्रमण करेगा। यहाँ याद रहे कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और ये स्पेसक्राफ्ट सूर्य से इतना नजदीक पहुंचेगा जहां तक कोई भी मानव सर्जित चीज अभी तक नहीं पहुंच पाई है। प्रोब स्पेसक्राफ्ट की लंबाई 9 फीट 10 इंच और वजन 612 किलोग्राम है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम फिजिसिस्ट योजिन न्यूमैन पार्कर के नाम पे रखा गया है, जिनकी उम्र 91 साल है और जिन्होंने 1958 में पहली बार ये अनुमान लगाया था कि सौर हवाएं वाकई में होती है जिसके साथ चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स सूरज से निकलते हैं। पर आखिर नासा सूरज पर जा क्यों रहा है? तो भाइयों, चार सवाल के जवाब के लिए ये सब बखेड़ा खड़ा किया गया है। नंबर एक, सूर्य की सतह उसके वातावरण जितनी गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य की सतह का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि उसके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर 2 लाख डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अब प्रोब को जानना यह है कि आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है। सवाल नंबर दो ये है कि सौर्य हवाओं को आखिर इतनी एनर्जी मिलती कैसे है। तीन, सूर्य इतने ज्यादा ऊर्जा के कण कैसे उत्सर्जित करता है कि इतनी दूर पृथ्वी के पास अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष यान के लिए यह खतरा बन जाता है। और नंबर चार, सूर्य पर कई सारे सोलर स्ट्रॉम या यूं कह लीजिए कि सूर्य तूफान आते रहते हैं जो कई बार कई जगहों पर हमारे GPS सिस्टम या इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी इफेक्ट करते हैं। इसके बारे में नासा का ये स्पेसक्राफ्ट हो सके इतनी जानकारी जुटाएगा। अब थैंक गॉड के ब्रह्मांड इतना बड़ा है और हमारी पृथ्वी ये सौर्य तूफानों का शिकार बहुत कम होती है। लास्ट टाइम अर्थ को हिट करने वाला सबसे बड़ा सोलर स्ट्रॉम लगभग 160 साल पहले 1859 में आया था। तब हमारे पास कनेक्टिविटी के इतने उपकरण नहीं थे जितने आज है और हमारी कनेक्टिविटी को ठप होने का खतरा पृथ्वी को आज भी 12% तक है। इसलिए पार्कर प्रोब सौर्य वातावरण के अंदर के दायरे तक जाएगा और वहां की प्रचंड गर्मी का सामना करके वहां से हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और इतनी प्रचंड गर्मी से बचने के लिए नासा ने इसमें कार्बन कॉम्पोजिट हीट शील्ड लगाई है। तो नासा का यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के बाहरी वातावरण और उसकी सतह की पूरी स्टडी करेगा। सूर्य का बाहरी हिस्सा कोरोना कैसे गर्म होता है और इसके पीछे क्या क्या कारण है उसकी जानकारी जुटाएगा और इसे हमें अन्य तारों की रचना, सुपरनोवा और वाइट ड्वार्फ जैसे सालों से परेशान करने वाले क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। इसके अलावा ये ऑब्वियस है कि प्रोब सोलर स्ट्रॉम्स को रोक नहीं सकता पर खतरे की घंटी बजाकर हमें आगाह जरूर कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये यान कारगर साबित होगा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही तो फ्रीक्वेंटली हमारे चैनल पे आके वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करें। और सदा खुश रहे, अपना ध्यान रखें। टेक केयर।